वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइंस डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइंस डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रशियन टैंक हमेशा से इंडिया की आर्मर्ड फ्लीट के मेन बैकबोन रहे हैं, चाहे वो T-72 टैंक हो या फिर T-90 टैंक। और इंडिया ने भी इन टैंक्स के अलावा अपने अर्जुन और जोरावर टैंक के डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और वो भी ऐसे समय जब ये बोले जाने लगा है कि टैंक का यूज़ अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन जंग में यूक्रेनियन ड्रोन रशियन टैंक को बड़े आसानी से एक के बाद एक नष्ट करते जा रहे हैं, उससे अब टैंक की उपयोगिता खत्म होने जा रही है। तो वहीं कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि अब ये जंग टैंक और एंटी टैंक सिस्टम के बीच होगी, और टैंक हमेशा से सेना के एक महत्वपूर्ण अंग की तरह बना रहेगा। और एंटी टैंक मिसाइल या फिर एरियल अनमैन सिस्टम कभी भी टैंक की जगह नहीं ले पाएगा। और यही कारण है कि रशिया यूक्रेन में टैंक की बर्बादी देखकर भी इंडिया अपने टैंक्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जहां इंडियन आर्मी अर्जुन Mk2 और लाइट टैंक जोरावर को बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने T-72 टैंक और T-90 टैंक को और ज़्यादा अपग्रेड करती जा रही है। और इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत इंडियन आर्मी T-90 टैंक में कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रही थी, जिसके तहत हैवी व्हीकल फैक्ट्री आबादी ने 300 T-90 टैंक के पहले बैच को अपग्रेड करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया है, जिसे T-90 Mk3 नाम दिया गया है। इंडियन आर्मी ने 2001 में पहली बार T-90 टैंक को रशिया से खरीदा था, उसके बाद फिर कई बैचेस में इन T-90 टैंक को खरीदा गया है। इंडियन आर्मी करंटली दो तरीके के T-90 टैंक का यूज करती आई है, जिसमें पहला है T-90S भीष्म टैंक, जो 1000 HP के इंजन का यूज करती है, और दूसरा T-90 टैंक है T-90MS, जो कि T-90S का ही एडवांस वर्जन है, जो कि 1150 HP का इंजन यूज करती है, और इसका आर्मर भी पहले T-90S के मुकाबले अपग्रेड लेवल का है। इंडियन आर्मी करीब 1675 T-90 टैंक को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। इन 1675 टैंक में से 300 T-90 टैंक को हैवली इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसके तहत पहला इम्प्रूवमेंट का ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर है, जहां पहले मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए टैंक ऑपरेटर को मैनुअली और मेंटली टारगेट की स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करते हुए राउंड को फायर करना पड़ता था। तो अब इस टैंक के लग जाने के बाद टैंक की टरेट ऑटोमेटिकली रेंज में टारगेट के आते ही मुड़ जाएगी, जिससे राउंड के मिस होने का खतरा एकदम खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी अपग्रेडेशन के तहत इन टैंक में नए डिस्टर्ब ब्लास्टिक कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो कि राउंड को मिस फायर होने से बचाएगा, क्योंकि ये टैंक के अंदर व बाहर के एटमॉस्फेयर हवा की स्पीड को कैलकुलेट करके गनर को पहले ही बता देगा, जिसकी हेल्प से गनर सटीक निशाने से फायर कर सकेगा। इसके अलावा इसमें नए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ऐड किया गया है, जिसमें सभी क्रू मेंबर बिना किसी जैमिंग के एक दूसरे तथा दूसरे टैंक के क्रू के साथ भी सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इनके अलावा नए T-90 टैंक्स के ऊपर एंटी थर्मल IR कोटिंग भी की गई है, जो इन टैंक को हीट सीकिंग एंटी टैंक मिसाइल से भी बचा लेगी, और साथ ही साथ इन टैंकों में इंडिजीनियस कंटेंट भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। अभी कुछ दिन पहले वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस VSHORD के बारे में न्यूज निकल के आई थी। इंडियन आर्मी ने रशिया से 120 Igla-S लॉन्चर और 400 मिसाइल का जो समझौता किया था, उसके तहत रशिया ने पहले बैच की Igla-S मिसाइल को इंडियन आर्मी को हवाले कर दिया है, और बाकी सिस्टम को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अडानी डिफेंस द्वारा इंडिया में ही बनाया जाएगा। इन Igla-S मिसाइल का ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद इन मिसाइल को पुरानी हो चुकी Igla-1M से रिप्लेस किया जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच हुए गलवान इंसिडेंट के बाद इंडियन आर्मी को इस तरह के कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम की कमी महसूस हुई थी, जिसके बाद इन Igla-S मिसाइल को रशिया से एक्वायर किया गया। इनके अलावा इंडिया ने भी अपना खुद का VSHORD प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इंडियन आर्मी को मिलना शुरू हो जाएगा। इन मैनपैड सिस्टम को इंडिया की DRDO ने भविष्य की जरूरत को देखते हुए एक नए सिस्टम लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम LPAD पर भी काम करना शुरू कर दिया है,
जिसके तहत गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ को फंडिंग कर दी है। ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ और प्राइवेट इंडियन कंपनी मिलकर बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ को 200 लॉन्चर और 1200 एलपेड मिसाइल बना के इंडियन आर्मी को सौंपना होगा। एलपेड मिसाइल कॉमन मैनपेड मिसाइल की अपेक्षा ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि एक बार टारगेट पर लॉक करने के बाद फायर करने पर ऑपरेटर लगातार मिसाइल के टेल पे लगी सेंसर को लॉन्चर से निकलने वाली लेजर बीम के माध्यम से गाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचाता है। अतः अगर कोई इन मिसाइल को जॉम करने की या फिर फ्लेयर के जरिए निशाने से भटकाना चाहे तो ये कर पाना मुश्किल होता है। ऑपरेटर चाहे तो मिड कोर्स मिसाइल को गाइड करके इसको दूसरे टारगेट की तरफ मोड़ सकता है। वहीं कॉमन मैनपेड मिसाइल को एक बार फायर कर दिया तो उसको कोई दूसरा कमांड नहीं दिया जा सकता, तथा इन मिसाइल को आयर फ्लेयर द्वारा जाम या भटका भी सकते हैं। एलपेड मिसाइल शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने स्पेशली चाइना से लगती हुई ऊंचाई वाले एरिया के लिए डेवलप कर रहा है। ये कम ऊंचाई और कम स्पीड वाले एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर यूएवी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइल अन्य मिसाइल की अपेक्षा ज्यादा मैनोवरेबिलिटी कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन जो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए काफी तेजी से मूव करते हैं उनके अगेंस्ट लेजर बीम मिसाइल सिस्टम ज्यादा कारगर होती है। ये मिसाइल वैसे तो अपने काइनेटिक पावर का इस्तेमाल करके टारगेट को नष्ट करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे इन मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ ने 2024 के अंत तक इस मिसाइल के डेवलपमेंट का प्लान कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है, और इसके बाद का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया इस लेजर बीम राइडर मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे हो जाएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।